दोस्तों, मेरा नाम आरजू है। मैं ज़िला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजूरिया जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं, ये जो हैं खाके की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह कर क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजूरिया थाने का SO जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करती हूँ तो उस पर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 8 दिन 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे रखे खजूरिया थाने में, लेकिन उस पर अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छुट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1,000 रुपये नहीं मिले, और मेरी पूरी स्कूटी 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया। एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है। और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहाँ जाऊँ मैं, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। जो हूँ उच्च अधिकारियों के भी यही हाल हैं, वे भी सुनवाई नहीं करते, तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते। तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहे हैं। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमों में फंसा देते हैं दूसरों को। तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये मैं उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी विस्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहाँ पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें।